आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म गुड न्यूज का प्रमोशन करने में व्यस्त हैं। हाल ही में फिल्म का एक डायलॉग प्रोमो रिलीज हुआ था। यहां पर अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा बोल दिया कि विवाद खड़ा हो गया। अब यूजर्स सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल प्रोमो रिलीज इवेंट में अक्षय पर भगवान राम को गाली देने का आरोप लगाया है। दरअसल ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक शख्स कहता है, मेरे बच्चे का नाम होला राम है क्योंकि यह होली के दिन पैदा हुआ था। इस पर अक्षय ने कहा, अच्छा हुआ लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है। अब इस डायलॉग को सुनने के बाद यूजर्स लगातार अक्षय कुमार को ट्रोल कर रहे हैं। इस मसले पर यूजर्स का कहना है कि अक्षय कुमार ने भगवान राम को गाली दी है। अक्षय कुमार को ट्रोल किए जाने के बाद ट्विटर पर #AkshayAbusedLordRama ट्रेंड करने लगा। वही कुछ ने इसे नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर चल रहे प्रदर्शन से भी जोड़ने की कोशिश की। वही कुछ ने अक्षय कुमार के प्रशंसकों से इस ट्रेंड से जुड़ने और इसे वायरल करने को कहा। बता दें कि इस फिल्म का पहला ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ था। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही फिल्म का निर्देशन राज मेहता ने किया है। यह फिल्म 27 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार और करीना कपूर के साथ ही साथ कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ भी मुख्य किरदार में है। फिल्म के गाने दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।